हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी क्लास होने वाली है टाइम एंड वर्क की, क्लास नंबर 3। तो जिसने क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखी है, पहले वो क्लास नंबर 1 और 2 जाकर देखो, उसके बाद आप क्लास 3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप वो चीज़ सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्लास 3 में जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस हमारे क्लास 2 तक जो हमने 121 नंबर तक किए थे उससे आगे के क्वेश्चंस रहने वाले हैं भाई। तो जो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये आपको क्लास 1 में और क्लास 2 में बहुत डीपली समझाया गया है। तो अब जो क्लास 3 में जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हमारे पास रहेंगे भाई एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड यानी के जिसको हम एग्जाम पैटर्न से करने वाले हैं, यानी एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम लोग जो स्टेप कटिंग का जो हमारा मेथड है वो हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे, लेकिन जहां जरूरी होगा एक्सप्लेन करना वहां पे हम लोग पूरा डिटेल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग इस चीज को हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 3। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये क्लास 2 से ही मिलता जुलता है। तो जो क्वेश्चंस हमने क्लास 2 में किए थे वही क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत, ताकि चीजों को हम लोग रिवाइज कर पाए। तो देखिए भी पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 4 men और 8 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, इन हाउ मैनी डेज कैन 6 men and 12 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क। यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 6 पुरुष तथा 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का है, ये हमने अगर पहले देखा हो तो ये क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन मेथड का। किस टाइप का है भाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन मेथड का, यानी हमें मैन एंड वुमेन इन दोनों का क्या दे रखा है, एफिशिएंसी का रिलेशन दे रखा है, एफिशिएंसी का रिलेशन गिवन है। तो जैसे ये लाइन हमें बताती है कि 4 men बराबर किसके हैं, 8 women के, और ये दोनों के दोनों जो है वो काम कितने दिन में कर देते हैं, 15 डेज में। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो 4 men की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है किसके, 8 women के। तो यहां से हमने मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल ली 8/4, तो ये हमें कितनी मिल गई भाई, 2/1। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहता, यानी हमें सबसे पहली चीज की जो जरूरत पड़ती है वो हमें निकालना होता है टोटल वर्क, यानी हमें काम कितना करवाना है। तो देखो भाई, वो आप मैन से भी निकाल सकते हो और वुमेन से भी निकाल सकते हो। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। हमारे पास कितने मैन थे, 4 मैन थे, तो मैन की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8। और इस 8 की एफिशिएंसी से कितनी दिन काम किया गया, 15 दिन। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई, 120 वर्क हमारे पास आ चुका है। अब ये 120 वर्क जो है वो हमें करवाना किससे है, 6 men and 12 women। एंड का मतलब होता है कि 6 men के साथ 12 women जो है वो मिलकर काम करेंगे। तो 6 men, इनकी एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो कितनी हो गई, 12। क्यों, 1 man की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और 12 women की एफिशिएंसी 1 है और 12 है, तो टोटल एफिशिएंसी जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितनी आ गई भाई, हमारे पास आ गई 24। 24 एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। तो इस 24 की एफिशिएंसी से 120 काम करवाना है, तो जो हमें डेज लगने वाले हैं ये हमारे पास कितने हो गए, 120 बटे में 24। तो यानी कितने दिन आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 5 days। तो 5 दिन में ये लोग काम खत्म कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चंस हमने टाइप या क्लास 2 में जो है
वो बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, हाउ एवर इट टेक्स 24 वुमेन टू फिनिश इट इन 20 डेज। इफ 10 मैन एंड 8 वुमेन अंडरटेक टू कंप्लीट द वर्क देन दे विल टेक। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमें रिलेशन गिवन है। यहां पे क्या कहता है भाई, 15 मैन जो है, 15 मैन ये भी 20 दिन में करते हैं और 24 वुमेन जो है ये भी 20 दिन में उस काम को खत्म कर देती है। तो एक बात बताओ, डेज तो बराबर ही है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 15 मैन इज इक्वल्स टू 24 वुमेन कितने दिन में, 20 डेज में। तो यहां से भी हमें क्या पता चला कि 15 मैन और 24 वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो हमारी बराबर रहेगी। तो यहां से हमने मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल ली, यानी 24/15 तो ये कितना आ गया भाई, 8/5 आ चुका है, 3 8 24, 3 5 15। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक मैन की और एक वुमेन की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी क्षमता आ चुकी है। सेकेंड चीज हमें क्या निकालनी पड़ती है, टोटल वर्क हमें चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है भाई, टोटल वर्क हमें चाहिए होता है। तो देखो टोटल वर्क आप मैन और वुमेन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया मैन और वुमेन किसी से भी निकाल सकते हो। तो हम देखो कैलकुलेशन छोटी के हिसाब से कर लेते हैं। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 5, वुमेन कितनी थी, 24, तो 24 वुमेन की 5 के हिसाब से एफिशिएंसी 24 × 5 हो चुकी भाई, और कितने दिन में काम करते हैं, 20 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ गया, इनटू में 20 कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, टोटल वर्क। काटना नहीं है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि आखिरी में जाके हमें चीजें क्या करनी है, काटनी ही है। अब ये काम किससे करवाना है, 10 मैन और 8 वुमेन, कितने हैं भाई, 10 मैन है और 8 वुमेन है, तो 10 8 80 और 8 5 40, तो यानी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 120। अब 120 एफिशिएंसी हमारे पास है जिससे हम क्या करवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं भाई। तो 120 एफिशिएंसी से टोटल वर्क करवा लेता है, 24 गुना में 5 गुना में 20 बाय 120, 120 से 120 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 20। तो यानी ये लोग कितने दिन में काम कर देंगे, ये लोग काम कर देंगे 20 दिन में, ठीक है भाई। तो ये 20 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शंस गिवन नहीं थे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो 20 डेज, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 डेज, इफ देयर वर 5 मैन मोर इट could be completed in 10 days less. How many men were in the beginning? Starting में कितने men थे? कुछ पुरुष एक काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, यदि 5 पुरुष और आ जाएं, 5 पुरुष क्या करने हैं, add करने हैं, तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने पुरुष थे, तो देखो भी, तो starting में हम लोग क्या लिख लेते हैं, x कितने दिन काम किया भाई, 30 दिन काम किया, तो ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। इसको हम बराबर कर देते हैं, इस बार काम तो वही है, वर्क जो है वो हमारे पास क्या है भाई, सेम है, वर्क जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। लेकिन ये क्या कहता है, अगर 5 आदमी और आ जाते, अगर 5 आदमी और आ जाते तो काम 10 दिन पहले खत्म होता, 10 दिन पहले किससे, पहले वाले दिनों से, तो कितने दिन लगेंगे भाई, 20 दिन लगेंगे। ये दोनों के दोनों वर्क हमने क्या कर दिए, सेम कर दिए, तो 30x बराबर है 20x प्लस का 100, 10x बराबर है 100 के, तो x बराबर किसके आ गया, 10 के। तो x वैल्यू हमने किसकी मानी थी, इनिशियल मैन माने थे, इनिशियल मैन यानी स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, तो स्टार्टिंग में आदमी कितने आ चुके हैं भाई, 10 आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका है ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सिंपल सा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं भाई।
A contractor undertakes to make a road in 40 days and employs 25 men. 40 दिनों में ये कोई रोड बनाना चाहता था और उस रोड को बनाने के लिए इसने कितने आदमी काम पर लगाए थे? भी 25 मैन लगाए थे। लेकिन हुआ क्या, 24 दिन के बाद, 24 डेज के बाद ही फाइंड्स दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज मेड। ठीक है, तो 24 दिन कितने आदमियों ने काम किया होगा भाई? 24 दिन काम किया होगा 25 आदमियों ने, और कितना काम हुआ? सिर्फ 1/3 वर्क हुआ, यानी जितनी भी लंबी रोड थी उसका 1/3 काम हुआ। अब ये क्या कहते हैं, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय, कितने आदमी और लगाए? तो 25 तो हमारे पास है ही, तो मैं क्या लिख देता हूं, 25 प्लस एक्स लिख देता हूं, सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क 4 days अर्लियर, यानी 4 दिन पहले काम खत्म हो जाए। 4 दिन पहले यानी टोटल काम कितने दिन में खत्म होना चाहिए? 36 दिन में खत्म होना चाहिए। तो 36 में से 24 दिन तो जा ही चुके, डेज कितने बच गए? 12 दिन रह गए भाई। 12 दिन 25 प्लस एक्स मैन है और काम कितना रहता है? 2/3 वर्क रहता है। तो अब ये फ्रैक्शन को हम लोग हटा देते हैं, वर्क को क्यों ना मैं, वर्क को क्यों ना मैं 3 ही मान लेते, वर्क को क्या मान लेते हैं 3। तो यहां वर्क कितना आ गया? 1 आ गया, और यहां कितना बच गया? 2 बच गया। फॉर्मूला हमारे पास है W1 अपॉन में M1D1H1 इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2D2 और H2, यही है भाई। तो वर्क 1 कितना है? 1। कितने आदमी थे? 24 गुणा में 25, घंटे नहीं दिए तो घंटे हम लोग नहीं लिखेंगे। वर्क 2 कितना है? 2 काम बचा हुआ है, कितने आदमियों से करवाना है? 25 तो है ही, 25 आदमी तो है ही, प्लस का x। क्यों, मुझे क्या चाहिए? हमें चाहिए 25 पुरुषों को कितने एक्स्ट्रा मैन, तो यानी हमारे पास वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x की, और इनटू में हमें क्या करना पड़ेगा? 12। ठीक है, जितना कटता है काट लेते हैं। ये हो गया आपका 2 पे कैंसिल, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो 100 इज इक्वल्स टू 25 प्लस का x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75 आ चुकी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75। और ये x क्या है? ये है एक्स्ट्रा मैन। ये क्या है भाई? एक्स्ट्रा मैन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो x बराबर है 75, 75 आदमी अगर वो काम पर और लगाए तो काम जो है वो 4 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ चुका है? ऑप्शन नंबर सी, यानी के 75 एक्स्ट्रा मैन। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्या कहता है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम, इफ टुगेदर दे टेक 10 डेज टू कंप्लीट ए वर्क, हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट अलोन। बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। तो देखो यहां हो क्या रहा है, मैं लिख देता हूं कि अगर B 2 काम करता है कितने दिन में? 6 दिन में। तो A कितना करता है? A करता है हाफ, यानी के A करता है 1 काम कितने दिन में? 1/6 ऑफ द टाइम, 6 दिन का 1/6 कितना हो गया? 1 दिन। तो वर्क तो हमें सेम करना होता है, तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं कि जो A है वो 2 काम करेगा कितने दिन में? 2 दिन में। अब एक बात आपने सीखी थी कि एफिशिएंसी का डेज के साथ जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा होता है? इनवर्स, यानी विपरीत संबंध होता है। एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो डेज क्या होंगे? कम होंगे। एफिशिएंसी अगर कम होगी तो डेज क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और इसका मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया था कि क्षमता का जो अनुपात होगा वो डेज की रेशो का क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है, और उल्टा भी आप लोग लिख सकते हो कि जो डेज का रेशो होगा वो
एफिशिएंसी की रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा। इन दोनों में से कोई भी रूल आप एक लगा सकते हैं। तो यहां पे देखो, ए बाय बी, ए करता है 2 दिन में और बी करता है 6 दिन में, तो ये डेज दे रखे हैं। तो डेज अगर ये है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई, 6/2 हो जाएगी। यानी एफिशिएंसी का रेशो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो हमारा कितना आ चुका है, 3:1। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशो। अब देखो, अब ये दोनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, दोनों मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 और 1 4 हो गई। तो 4 की क्षमता से 10 दिन काम किया तो काम कितना आ गया भाई, 40। अब ये 40 काम किससे करवाना है, बी अकेला अगर काम करेगा तो बी अकेला करेगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो 40/1, यानी कितने दिन लगेंगे उसे, 40 दिन लगेंगे। तो यानी हमारा आंसर कितना है, हमारा आंसर है 40 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, जो लास्ट क्लासेस में भी हमने देखा है, ये इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन है। और यही पार्ट हमेशा क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। मेथड भी फॉलो नहीं करना, एफिशिएंसी और डेज का सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आपको रिलेशन ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कमल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कमल जो है वो किसी काम को 15 दिनों में कर देता है। बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल। बिमल जो है ये 50% मोर एफिशिएंट है, एफिशिएंट है यानी कार्य कुशल है, किससे, कमल से। तो एफिशिएंसी का रिलेशन गिवन है, किसका रिलेशन गिवन है भाई, एफिशिएंसी का। तो देखो, अगर परसेंटेज में एफिशिएंसी गिवन है तो किस तरीके से, आप 100 मान के भी कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि कमल की एफिशिएंसी 100 थी तो बिमल की कितनी हो गई, 150 हो गई ना भी। तो ये एफिशिएंसी का हम लोग क्या निकाल देते हैं, रेशियो। तो कितनी आ गई, 2/3। तो कमल की एफिशिएंसी 2 है, बिमल की कितनी है, 3 है। और 50% को आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, 50% इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो अब ध्यान रखना है रिलेशन किसका गिवन है। यहां पे ध्यान से देखो, बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल। अगर कमल की एफिशिएंसी 2 है तो बिमल उससे 1 ज्यादा है, बिमल उससे 1 ज्यादा है तो बिमल की कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये रिलेशन आपको यहां से भी निकल सकता है। तो यहां पे हमारे पास कमल और बिमल की रेशो एफिशिएंसी की कितनी आ गई, 2:3। तो अब देखो, कमल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो कमल जो है वो 2 की क्षमता से 15 दिन कार्य करता है, तो टोटल काम कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये काम किससे करवाना है, सिर्फ बिमल से करवाना है। तो बिमल की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 30/3 यानी कितने दिन लगेंगे हमें ये काम करने में, 10 दिन लगेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 men कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। आफ्टर 6 डेज ऑफ वर्क 4 more men वर एंगेज्ड टू फिनिश द वर्क। इन हाउ मेनी डेज वुड द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड। तो हिंदी में भी मैं बता देता हूं साथ के साथ, 8 लोग जो हैं वो किसी काम को करने में 12 दिन लेते हैं। तो एक हिसाब से मेरे पास वर्क कितना आ गया भाई, 96 वर्क आ गया। 6 दिन काम किया तो 6 दिन कितने लोगों ने काम किया, 8 लोगों ने 6 दिन कार्य कर दिया। तो यानी मैं कह सकता हूं 48 वर्क जो है वो हो चुका, वो हो गया ना। रिमेनिंग वर्क कितना है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। रिमेनिंग वर्क कितना है, 96 - 48, 48 ही काम रह गया अभी। अब ये 48 काम करने के लिए देखो एक नई स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है, आफ्टर 6 डेज 4 more men were engaged। 6 दिन काम के पश्चात
चार और पुरुष काम पर लगाए गए। पहले कितने थे? आठ थे। आठ में चार और जोड़ेंगे तो न्यू मैन कितने आ गए? न्यू मैन कितने आ गए? आठ प्लस चार यानी कि न्यू मैन आ चुके हैं 12। और रिमेनिंग वर्क कितना है? 48। तो कितने डेज लगेंगे भाई? 48 बाय 12 यानी कितने डेज लगेंगे? 4 डेज जो है वो हमारा क्या हो चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो यानी 4 डेज ऑप्शन नंबर फिर से आपका कितना आ गया? सी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत एसएससी या बाकी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला ओरिएंटेड भी कर सकते हो, इसको आप फॉर्मूला ओरिएंटेड भी कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? W1 अपॉन में M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन में M2 D2 और H2। तो ये भी आप इसमें फॉर्मूला क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। कुछ व्यक्ति हैं किसी काम को 55 दिन में कर देते हैं। इफ देयर वर 6 पर्संस मोर द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन। अब देखो फिर से वर्क जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो वही लॉजिक हम लगाएंगे, वर्क को हम लोग क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। एक्स आदमी 55 दिन में करते हैं तो वही काम एक्स प्लस 6 आदमी 11 दिन कम में कर देते हैं। तो 11 दिन कम यानी कितने दिन में? 44 दिन में। तो 55x और 44x, 11x बचेगा, यहां क्या बचेगा, 6 गुणा में 44, तो x बराबर किसके आ गया, 24। तो x हमने क्या माना था, इनिशियल मैन माने थे। आपसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी पर्संस वर ओरिजिनली देयर। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आरंभ में कितने व्यक्ति थे भाई, ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। यानी 24 व्यक्ति जो थे वो हमारे स्टार्टिंग में थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। 639 लोग किसी रोड को 12 दिन में रिपेयर कर देते हैं 5 घंटे काम करके। तो बताओ कितने दिनों में 30 आदमी 6 घंटे काम करके उस रोड को कंप्लीट कर देंगे। फॉर्मूला क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 हम लिखेंगे। M1 कितना है, 639 इंटू में 12 इंटू में 5। M2 निकालना क्या है, हाउ मैनी डेज। ठीक है, तो 30 गुणा में 6 गुणा में 2, तो 6 घंटे काम करता है ना, तो H की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, हमें D2 निकालना है। तो 639 इंटू में 12 इंटू में 5 बाय 30 इंटू में 6, 6 2, ये आ गया आपका 15 पे, ये कट गया 3 पे, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 213। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 213। यानी इस काम को करने के लिए हमें कितने आदमी चाहिएंगे, 213 मैन हमें चाहिएंगे भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 213। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला ओरिएंटेड। और वो फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, कौन सा, W1 अपॉन में, फिर से लिख देता हूं मैं, M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन में M2 D2 H2। तो ये है भाई। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में हमें बता सकते हैं, ठीक है भाई। और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कहाँ डाल सकते हैं, डाउट का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग कहाँ डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं। और अगर आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 72 आदमी 280 मीटर लेंथ की दीवार को 21 दिन में बना देते हैं। तो बताओ कितने आदमी 18 दिन में उसी प्रकार की दीवार को 100 मीटर लेंथ को बना पाएंगे। तो सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला। तो 280 मीटर की लेंथ थी,
कितने आदमियों ने बनाई? 72 × 21 फीट। और ये नई लेंथ जो 100 मीटर की है वो बनानी है एक्स मैन के द्वारा 18 दिन में। तो कटता है उतना काट लेते हैं, 18 × 72 ये कट गया 70 पे, 7 × 10 पे, ये 3 पे, ये 0 इधर कट गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो x का मान कितना है भाई? 30। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो चुका है? आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पर्सन 8 घंटे काम करके 8400 रुपए पर वीक लेते हैं, पर वीक। तो बताओ 9 आदमी 6 घंटे काम करके एक हफ्ते में कितना कमाएंगे? ठीक है, तो वीक आप काट भी सकते हो क्योंकि यहां पे भी वीक है और यहां पे भी वीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कमाया अभी? 8400 रुपए कमाए 6 लोगों ने 8 घंटे एक हफ्ते में, तो कितना कमाएंगे? 9 आदमी 6 घंटे एक हफ्ते में। तो ये देखो 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 6 से 6 भी आपका क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो x का मान अगर हमें निकालना है तो देखो भी 1050 पे कटेगा, 8 × 8 0, 8 × 5 = 40 और 0। तो x की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ मिलेगी? 9 के साथ। तो x बराबर आ गया 054 और 9। तो यानी नए लोग जो कमाएंगे वो कितने कमाएंगे? 9450 रुपए कमा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन 60 दिन में कर देते हैं, वही वर्क सेम है, तो x इंटू में 60। इफ देयर वर 8 more men 8 आदमी और होते तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता? 10 दिन कम यानी 50। तो 60x में से 50x गए, 10x बराबर है 400, तो x बराबर किसके आ गया? 40 के। यानी शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? 40। स्टार्टिंग की अगर बात करता है तो आपका आंसर कितना होगा? 40। और अगर न्यू मैन की बात करें, नए व्यक्ति कितने हैं, तो हमें 40 में क्या करने पड़ेंगे? जो मैन हमने ऐड किए हैं, तो 40 प्लस का 8 यानी हमारा आंसर कितना होने वाला था? 48। ये न्यू मैन आएंगे और ये स्टार्टिंग वाले मैन आएंगे। ठीक है, गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन क्या पूछा गया उस हिसाब से आपको ऑप्शन लगाना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12 पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 टाइम्स द वर्क इन हाफ द टाइम। देखो भी 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति अगर 4 दिन में कार्य करेंगे तो कितना काम हो गया? 48 दिन काम हो गया ना, नहीं 48 वर्क हो गया, 48 वर्क हो चुका है भाई, 48 वर्क हो गया। क्यों? वर्क इज इक्वल्स टू डेज इंटू में एफिशिएंसी होती है। तो ये देखो अब यही 48 काम का कितने गुना? 8 गुना। तो न्यू वर्क कितना आ गया? 48 × 8 वर्क आ गया। ठीक है, कितने टाइम में? हाफ द टाइम, आधा टाइम। तो जो 4 दिन में होने वाला था अब वो होना है 2 दिन में, तो कितना आ गया? 2 × 8 तो 8 × 32 और 16 192। तो यानी कितने आदमी चाहिएंगे? 192 व्यक्ति हमें चाहिए। हाउ मेनी पर्सन्स निकालना था, तो 192 व्यक्ति चाहिएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 पर्सन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, तो 2 मैन किसी काम को 9 दिन में कर देते हैं, तो 18 वर्क हमारे पास आ गया। हाउ मेनी मोर पर्सन्स आर नीडेड टू कंप्लीट ट्वाइस द वर्क इन 12 डेज। हिंदी में देख लेते हैं, 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो हमने वर्क निकाल लिया, 2 गुना काम, तो डबल वर्क है। तो 18 × 2 यानी कितना हो गया? 36 काम हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर नीडेड टू कंप्लीट द ट्वाइस द वर्क इन 12 डेज। अब ये काम कितने दिन में खत्म करवाना है? 12 दिन में। तो यानी हमारा आंसर कितना आ चुका है? 3। तो न्यू मैन कितने चाहिए थे? हमें चाहिए थे 3, लेकिन उसने न्यू मैन नहीं पूछे, उसने पूछे हाउ मैनी मोर पर्सन्स,
पहले कितने थे भाई? दो आदमी थे, अब कितने आ गए? तीन आदमी। तो न्यू मैन, एक्स्ट्रा मैन जो है, एक्स्ट्रा मैन की जो रिक्वायरमेंट है 3-2=1, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो एक हमारा यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो चुका है। तो ध्यान से, मोर मैन वहां पे पूछा गया था, मोर मैन, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है भी? 90 दिनों में 60 आदमियों के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, एक प्रोजेक्ट तैयार करवाना था, लेकिन पता क्या चला? 60 दिन तो जा चुके, 60 आदमियों ने काम किया होगा, और कितना काम हुआ? 3/4 वर्क हुआ। तो अब ये क्या पूछता है, हाउ मैनी मैन कैन ही डिस्चार्ज, कितने आदमियों को वो निकाल देगा। तो यानी यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वो बाद में ही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, सो दैट द प्रोजेक्ट मे बी कंप्लीटेड, मे बी कंप्लीटेड यानी 1/4 वर्क रह गया। ठीक है, कितने टाइम पे, हाउ मेनी मैन कैन ही डिस्चार्ज सो द प्रोजेक्ट मे बी कंप्लीटेड एग्जैक्टली ऑन टाइम। तो 60 दिन तो जा चुके, बच गए कितने, 30 दिन। फॉर्मूला लगा देते हैं, वर्क प्रोजेक्ट को क्या मान ले, 4 ही मान लेते हैं, तो यहां कितना कर दिया, 3, और यहां कितना बच गया, 1। तो फॉर्मूला 3/60 × 60 = 1/30 × x, तो 3×2, तो ये कितना आ गया, x = 40। तो x का मान आ चुका है 40, x का मान आ चुका है 40। तो x जो है वो है आपके पास मैन। ठीक है, तो मैन आ गए, तो पहले कितने थे, 60 मैन थे, अब कितने रह गए, 40। तो एक बात हमें पता चली कि वो पूछता है कितने मैन हमें क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। तो यानी रिमूव्ड मैन कितने आ गए, रिमूव्ड मैन कितने आ गए, यानी डिस्चार्ज हम कितनों को कर देंगे, तो 60 - 40 = 20। तो 20 मैन को हम लोग क्या कर देंगे भाई, हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में जाके उसने क्या कर दी, देखो स्टेटमेंट चेंज कर दी, डिस्चार्ज पूछ लिया उसने। ठीक है, तो वो हमें क्या मिलता था, माइनस करके मिलेगा, या फिर आप यहां भी लिख सकते थे, वो आप यहां भी लिख सकते हो, यानी 60 माइनस एक्स से भी आप क्या कर सकते हो, इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने 200 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया, तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। तो देखो, 60 लोगों ने 250 दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 15,000 वर्क आ गया। ठीक है, अब 200 दिनों तक 60 काम किया, 60 आदमियों ने 200 दिनों तक काम किया, तो वर्क कितना हो चुका, 12,000 वर्क हो गया है। ठीक है, अब इसमें 10 दिन खराब मौसम की वजह से भी गए, तो यानी टोटल कितने दिन, 210 दिन जा चुके हैं, तो कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। अब देखो, रिमेनिंग वर्क कितना है, काम कितना रह चुका, 3,000 काम रह चुका। ठीक है, दिन कितने रह गए, 250 दिन में खत्म करना था, 210 दिन जा चुके, तो बच गए कितने, 40। तो 40 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां कितना आ गया भाई, 75 × 150 होता है, तो कितना आ गया, काट लेते हैं भाई, 7 × 28 75। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आया हमारे पास टोटल मैन हमें कितने चाहिए। उसने आपसे पूछा है अतिरिक्त लोगों की जरूरत, पहले कितने थे, 60 थे, बाद में कितने हो गए, 75। तो फिर से यहां पे उसने आपसे क्या पूछ लिया, एक्स्ट्रा मैन पूछ लिए,
तो एक्स्ट्रा मैन कैसे आएगा, 60, 75 करना पड़ेगा ये, तो कितने आ गए, 15 मैन जो हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैन की वैल्यू आपको यहां चाहिए थी, तो 15 मैन तो कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 पुरुष 7/8 काम को एक सप्ताह में खत्म कर देते हैं, तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों, फिर से एक्स्ट्रा मैन पूछे, तो 7/8 काम खत्म हो गया, तो मैं लिख सकता हूं भी 7 काम खत्म कर दिया 28 लोगों ने एक सप्ताह यानी 7 दिन में, तो एक काम खत्म करने के लिए मैं कहता हूं एक्स लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कितने में, एक सप्ताह में, तो यहां पे कितना आ गया, एक्स आ गया, तो 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 4 पे। ठीक है, तो यही चीज आपको देखनी है कि कितने यहां पे आदमी चाहिएंगे, तो एक्स बराबर किसके आ गया, 4। चलिए अभी यहां पे और यहां पे थोड़ी स्टेटमेंट में दिक्कत है, हिंदी और इंग्लिश में, द नंबर ऑफ मैन यानी कितने आदमी काम पर लगाए जाए, और अगर आप देखते हो एसएससी या किसी भी एग्जाम में तो आपकी इंग्लिश स्टेटमेंट ही क्या होती है, इंग्लिश स्टेटमेंट ही क्या मानी जाती है, वैलिड मानी जाती है। तो यहां पे एक्स्ट्रा मैन पूछे गए थे और यहां पे पूछता है कितने आदमी काम पर लगाऊं, तो कितने आदमी काम पर यानी एक्स का मान कितना आ चुका है, 4। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट में एरर लगे तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो हमेशा इंग्लिश स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ, यहां पे देखो 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया, 5 किलोमीटर सड़क बनानी थी, 280 आदमी काम पर लगा दिए। ठीक है, कितने दिनों में, ये बनानी थी हमें 100 दिनों में, ये प्रोजेक्ट था, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, 80 दिनों के बाद हमें क्या पता चला, 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई, तो 80 दिन कितने लोगों ने काम किया होगा, 280 आदमियों ने काम किया होगा, कितने किलोमीटर रोड बनी, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब 5 किलोमीटर में 3.5 बन गई तो 1.5 किलोमीटर रोड रह गई। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चंस देखते हैं, तो काम को समय पर पूरा करना है, समय पर पूरा करना है, तो देखो भाई 100 दिन में काम खत्म करना था, 80 दिन जा चुके, बचे कितने, 20 दिन रह गए। अब यहां क्या पूछता है, वो पूछता है तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त चाहिए, तो यहां पे हम एक्स ही मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 3.5/80 गुणा में 280 बराबर है 1.5/20 गुणा में एक्स, तो पॉइंट से पॉइंट तो हम हटा ही देते हैं, काट लेते हैं अभी, 20 चौके 80। ठीक है, 7 5 35 40 5 8 40। ठीक है, आगे कुछ कटता नहीं है, 8 चौके 12, एक्स बराबर आ गया 15 गुणा में 8 चौके 32। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 15 × 30, 15 × 45, 480। तो कितने आदमी चाहिएंगे, 480 आदमी चाहिएंगे, लेकिन उसने पूछा कितने एक्स्ट्रा मैन, तो 280 आदमी तो मेरे पास पहले ही थे, तो एक्स्ट्रा मैन कितने आ गए, एक्स्ट्रा मैन कितने आ गए भाई, 280 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, 480 - 280 कितने मैन आ गए, 200 मैन आ गए, तो यानी ये 200 आदमी एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, 7 मैन किसी काम को 12 दिन में, तो 12 × 7 = 84 वर्क हो गया, हाउ मैनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल द वर्क, डबल द वर्क यानी 84 × 2 कितने दिन में, 8 दिन में, तो 2 4 पे कट गया और ये कितने पे कट गया, 21। ठीक है, तो देखो 7 आदमी थे, कितने और चाहिए, 21 आदमी नए चाहिए, तो यानी कितने एक्स्ट्रा मैन आपके लग गए, तो 21 - 7 यानी
14 मैन जो है वो मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर है। क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर रहा हूं अब मैं। ए कैन डू ए वर्क इन 21 डेज। ए जो है वो किसी काम को 21 दिन में कर देता है। बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। तो अगर ए 100 है तो बी कितना है भाई, 140 है, तो ये कितना आ गया 5/7, मोर एफिशिएंट है, ये बात ध्यान रखनी है। बी इज 40% मोर एफिशिएंट, तो 100 और 140, तो ये एफिशिएंसी आ गई। तो अब ए 21 दिन काम करता है, तो वर्क कितना आ गया भाई, 21 गुणा में 5। अब ये काम किससे करवाना है, बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो डिवाइड कर देते हैं, 7 * 21, तो 5 * 15 दिन। तो कितने दिन लगेंगे भाई अगर बी इस कार्य को शुरू करेगा, तो 15 दिन लगेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए जो है वो किसी काम को 9 दिन में कर देता है। बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। तो अगर ए 100 है तो बी कितना होगा, 150 होगा भाई। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 2/3। वर्क कितना हो गया, ए करता है ना, तो 9 गुणा में 2 यानी 18 काम है। हाउ मैनी डेज कैन बी डू द सेम वर्क। सेम वर्क यानी 18 काम, किस एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। तो कितने 6 डेज उसको लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या है, सी हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन। एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। एक्स इंटू में 30, इफ देयर वर 6 मोर मैन, एक्स प्लस 6। तो 10 दिन कम में खत्म होगा, तो यानी कितने दिन, 30 दिन में खत्म होता था, अब कितने दिन में खत्म हो रहा है, 20 दिन में। तो 10x इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 12। तो x का मान कितना आ गया, तो आरंभिक अगर पूछा जाए तो x का मान निकालना पड़ेगा, x बराबर 12। और अगर न्यू पूछे तो 12 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 18। ये न्यू मैन आ गए। ठीक है, लेकिन हमसे पहले वाले पूछे गए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो चुका है भाई, आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्किंग 8 आवर्स अ डे, अनु कैन कॉपी ए बुक इन 18 डेज। हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड शी वर्क सो एज टू फिनिश द वर्क इन 12 डेज। तो 8 इंटू में 18 इज इक्वल्स टू x इंटू में 12। ठीक है भाई, तो x का मान 6 * 3 = 18, 6 * 2 = 12, 2 * 4 = 8। तो x का मान किसके बराबर आ गया, 12 के। तो x का मान 12 के, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन। यदि x माइनस एक व्यक्ति के द्वारा x प्लस एक दिनों में किए गए काम तथा x प्लस दो व्यक्तियों के द्वारा x माइनस वन दिनों में किए गए काम का अनुपात। वर्क का रेशो गिवन है, और वर्क क्या होता है, वर्क होता है डेज इंटू में एफिशिएंसी। ठीक है, तो x माइनस वन व्यक्ति, एफिशिएंसी कितनी है, x माइनस वन दिन हो गए x प्लस वन, कितनी रेशो है, 9:10। तो यहां क्या लिखेंगे, x प्लस टू बाय x माइनस वन इज इक्वल्स टू 9/10। तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 10x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 9x प्लस का 18। तो x इज इक्वल्स टू 8। तो x का मान किसके बराबर आ गया, 8 के। तो हमें किसका मान चाहिए था, x का ही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो चुका है, आंसर। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं तक हैं। तो जितना आपको करवाया गया उन क्वेश्चंस को आप समझो, और अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो डाउट आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा क्या है, क्वांटिट्यूड। टेलीग्राम पे जाकर अगर आप सर्च करोगे तो क्वांटिट्यूड का आपको एक ग्रुप मिलेगा, वो ग्रुप आप ज्वाइन करिए। वहाँ ग्रुप में आप अपने डाउट्स, उसकी आप पिक भेज सकते हो। ठीक है, तो और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आज की हमारी क्लास नंबर थी 3। तो कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो टाइम एंड वर्क की ही रहेगी। लास्ट के बिल्कुल क्वेश्चंस हैं तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्स में और आए हुए क्वेश्चंस हैं,
वो भी हम लोग देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। तो और इसी सीरीज को हमें क्या करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, आपकी हेल्प हम लोग ये क्वेश्चंस करवा कर कर देंगे। चलिए आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।